Assalamualaikum friends. थैंक यू अब्दुल्ला हमारा वीडियो स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है मथुरा गोट फार्म के बारे में। ये गोट फार्म मथुरा में है, जैसे कि नाम से आपको पता चलता है, और ये गोट फार्म के ओनर हैं मोहम्मद अकमल साहब। आज के वीडियो में आप उनका इंटरव्यू देखें। जैसे वीडियो आगे जाएगा, आप लोग मोहम्मद अकमल साहब का इंटरव्यू एंड तक देखें। काफ़ी सारी बातें उन्होंने शेयर की हैं। ये जो फार्म है ये मथुरा में है, ये मथुरा की जो मंडी है पल्ली पार की, उसके बिल्कुल सामने है। और ये जो एड्रेस है, एड्रेस मैं स्टार्टिंग में दे चुका हूँ, आप लोगों को फ़ोन नंबर भी दे चुका हूँ, आप लोग डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं मोहम्मद अकमल साहब को। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो फार्म है ये तिवारीपुरम में अब्दुल नबीपुर में है। तो अगर कोई भी मेरा भाई इंटरेस्टेड है, मथुरा दिल्ली या सराउंडिंग एरिया से है, तो वो जा सकता है कुर्बानी के लिए। यहाँ पर बहुत सारे बकरे हैं, 350 बकरे इस वक्त फार्म पे हैं सिरोई के, और 350 बकरे बकरा ईद के करीब में आने वाले हैं। जो यहाँ पर फिलवक्त तो यहाँ पर सिर्फ सिरोई का काम हो रहा है, लेकिन आफ्टर बकरा ईद बरबरी बकरे भी आपको यहाँ देखने मिलेंगे। मथुरा बहुत जाना जाता है बरबरी बकरों के लिए, तो यहाँ पर बरबरी बकरे, आप बोल सकते हो कि मथुरा इज़ द लैंड ऑफ बरबरी। इसके अलावा जो हमारे अकमल साहब हैं, इन्होंने ट्रेनिंग ली है CRIG में, तो उसके भी रिलेटेड वो काफ़ी सारी बातें शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं जब फार्म में गया था, मैं हमारे अंकल जर्नलिस्ट जावेद जमालुद्दीन साहब के साथ गया था, और मेरे कज़िन राशिद शेख के साथ गया था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप इंजॉय करें। आज के वीडियो में आप इंटरव्यू देखें जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मोहम्मद अकमल साहब का, और कल मैं उनके फार्म का एक आपको टूर दूंगा, मैं उनका पूरा फार्म आपको दिखाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलामुअलैकुम भाई, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई, मेरा नाम मोहम्मद अकमल है जी, प्यार में मुन्नू भाई कहते हैं। अच्छा, और आपके फार्म का नाम क्या है? मेरे फार्म का नाम अभी फ़िलहाल में मथुरा गोट फार्म है जी, लेकिन मैं इसको जहाँ तक चेंज करूँगा। अच्छा, ये नाम थोड़ा सा मेरे को सूट नहीं करा। अच्छा, और ये फार्म का एड्रेस आप बता सकते? हमारी और जैसे दुकानें वगैरह की होलसेल की है, वो हमने देश के ऊपर ही रखा थी। आज की दुकान नहीं है, 30-35 साल पुरानी, भारत के नाम पर ही है। मछली की हालत भी है, तो वो भी इंडिया फिश मार्केट के नाम से ही जी है। और आपका फार्म का एड्रेस क्या है, किसी को अगर आना हो तो? बहुत सिंपल एड्रेस है जी, आप क्या नाम है, पल्ली पार का ये कृष्णापुरी से जो ब्रिज आता है जमुना वाला जी, इसको आप पार करके आप सीधे हाथ पे ना जाकर उल्टे हाथ पर आ जाइए जी, और तिवारीपुरम करके जगह है जी, और सिंपल एड्रेस है आप जी। वो तो मैं दे भी दूंगा। एंड अब्दुल नबीपुर इस इलाके को कहा जाता है जी, ये औरंगजेब के टाइम पर कोई वो हुआ करते थे, उन्होंने बनवाई है ये आपकी जी शाही मस्जिद ईदगाह, उन्होंने बनवाई, उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम है अब्दुल नबीपुर बांगर। और आप कौन सी ब्रीड के बकरे रखते हैं? अभी मैंने स्टार्टिंग में काम किया था, अब अगस्त में एक साल हो जाएगा, तो मैंने सिरोही का ही चुनाव किया था जी, लेकिन आगे मेरा अब ये बकरीद के बाद में पूरा इसका काम हो जाएगा। बकरीद के बाद जब ये सेल आउट हो जाएंगे, मेरे बुकिंग हो चुकी है, तो उसमें मेरा इरादा आगे का जो है जी कि सिरोही के साथ बरबरी को ख़ास तौर से चलाने का इरादा है, और मैं इसमें अब आगे बकरी ही रखूँगा। करीब करीब 200 का मेरा इरादा है, और बढ़ भी सकती है। जैसे कि आपके फार्म की कैपेसिटी तो अराउंड कितनी होगी, 1000? ये एरिया तो बहुत बड़ा है, करीब तकरीबन 9 बीघे के, माशाल्लाह 9 बीघे माशाल्लाह जी। लेकिन मैं अभी समझिए कि शुरुआत का काम था, तो एक साल थोड़ा सा सीखना भी ज़रूरी होता है। हमने जो ट्रेनिंग ली वो 10 दिन की ट्रेनिंग ना काफ़ी होती है जी, वो कोई माने रखती। आपने ट्रेनिंग कहाँ ली थी आपने? CIRG में फरे में जो। अच्छा, इसके अलावा आपकी फेवरेट ब्रीड कौन सी है, आप कौन सी ब्रीड को सबसे ज़्यादा पसंद करते? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मेरी फेवरेट ब्रीड तो नंबर एक में बरबरी है, बरबरी है, नंबर दो में सिरोही है जी, और उसके बाद तो फिर बहुत है, सोजत जमुनापारी चकराना है, सोजत सिरोही है। लोग बाग तोता परी पसंद करते हैं, तोता परी प्योर ब्रीड नहीं है जी, लोगों को नहीं मालूम। खैर, तोता परी जो एक क्रॉस ब्रीड है जी, वो सोजत और इसके क्रॉस से करा निकला, सोजत और सिरोही के। अच्छा, प्योर ब्रीड नहीं है, लेकिन सिरोही ज़्यादा बेस्ट है वैसे, इसमें कोई दो राय नहीं।
बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर किसी को आपसे बकरे खरीदने हैं, लाइक ये जो लॉट है आपके पास और भी 350 बकरे आ रहे हैं, ये तो ज्यादातर बुक हो चुके हैं, लोगों ने पहले ही बुकिंग कर दी है, तो अगर किसी को खरीदना हो तो आपके फार्म पे आ सकते हैं? हाँ, मोस्ट वेलकम। तो आपका आपको फोन करके आना होगा कि एनी टाइम देखें? फोन करके आए तो और अच्छा रहेगा, बाकी वैसे एनी टाइम किसी भी टाइम आ जाए, दिक्कत नहीं है। तो मैसेज मैंने बुक करने के हिसाब से इसमें एक किताब भी छपवाई बाकायदा, इत्तेफाक से मेरे पास इस वक्त है नहीं यहाँ पर। हाँ, वो उसके डिटेल्स है मेरे पास, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। तो हमने इसमें जो रेट रखा है ना कुर्बानी के हिसाब से, मकसद मेरा ये है कि बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होती है और कुर्बानी के बकरे की कोई कीमत भी नहीं होती, आप जानते हैं जी। तो अपनी तरफ से जितना लोगों को मिल सके मैंने इसमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम रखा और उसमें सीधा हिसाब ये रखा, 350 किलो का रेट रखा। लोग भागों ने ये कहा कि बहुत सस्ता कुर्बानी का बकरा तो 500, 600, 700, 800 तक जाता है, मैंने कहा नहीं। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 15-20 हज़ार रुपये इकट्ठे नहीं खर्च कर पाते, या मान लीजिए हल्का बकरा चाहते हैं तो 12 हज़ार रुपये नहीं खर्च कर पाते एकदम एक साथ, उन लोगों के लिए बहुत आरामदायक है। जैसे 5-6 किस्तें चली तो 2-3 हज़ार रुपये उन्होंने हमें देना शुरू कर दिया है, और अगस्त से पहले यानी कुर्बानी से 22 अगस्त से पहले वो हमको सारा पैसा अपना दे देंगे, जो भी निकलेगा बकरे ले जाएंगे। ये आप बहुत नोबल कॉज कर रहे हैं, लेकिन जैसे किसको कुर्बानी करनी है तो मेरा खिदमत मैं मेरे वालिद ने मुझे खिदमत ही सिखाई है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। धंधे को लेकर नहीं चला मैं, सिर्फ कुर्बानी बकरे मैं भी जानता हूँ बहुत महंगे बिकते हैं जी, लेकिन धंधे को लेकर नहीं चला। मेरा मकसद ये था कि अपने लोगों को जितना फायदा हो जाए उससे उतना देने की कोशिश करूँगा जिस लायक हूँ। हाँ, आगे नेक्स्ट ईयर में मेरा इरादा इसमें 2000 बकरे पालने का, और उसको मैं आप लोगों की दुआएं रही तो इंशाल्लाह इस टारगेट को जरूर पूरा करूंगा। इस साल मैंने 300-400-500 का इसलिए रखा कि नया काम था, सीखने में थोड़ा सा प्रैक्टिकली विजडम होना एक अलग चीज़ है और थ्योरेटिकल एक अलग चीज़ है। प्रैक्टिकल अब समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या मामला है, कैसे क्या है जी, तो वो सब चीज़ें समझ में अब आई हैं एक साल में जाकर। जैसे कि मैं आपका देख रहा था, फीडिंग रूम बना हुआ है अलग अलग टाइम पे, जैसे आप बता भी रहते हैं जी, जी, जी। खाने का एक अलग अलग रूटीन है आपका जी जी, एंड उसके बाद में आप बकरों को इतना फ्री लेंसिंग के लिए छोड़ते हैं खुला, तो ये सारी बातें देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, इनको देखिए हम ही हैं, हम ही एक कमरे में या एक घर के अंदर बिल्कुल वो रहें तो वो बेहतर नहीं है। अब CIRG से या आप कहीं से ट्रेनिंग लेंगे तो वो लोग सीधा कहेंगे कि बर्बरी बकरी और बकरा या ये सिरोही, इनको डोलाने की ज़रूरत नहीं है, इनको स्टाल फीडिंग में काम चल जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली में मैं आया तो मैंने ये देखा कि ये घूमने फिरने का बहुत बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं जी। अगर इनको दिन भर खिलाने के बाद और शाम को थोड़ा सा इनको घंटे दो घंटे के लिए, हमारे पास तो जगह इतनी है तो अपने आप चर लेते हैं, थोड़ा सा डोल लेते हैं, तो उससे ज़रा फरेरे हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। और मेडिसिन वगैरह भी आप खुद ही दे देते हैं राइट? हाँ, मेडिसिन मैं खुद ही देता हूँ। स्टार्टिंग में एक आध महीने के लिए रखा था, लेकिन वो ये है कि उनके हिसाब से चलना पड़ता है जी। और फिर अपनी पूरी नॉलेज हो गई है, वैक्सीन 4-5 वैक्सीन लगती है, कोई खास वो नहीं है इसके लिए, आदमी पूरा केयर रखे बस जी। ये खाने का जो हिसाब है वो बता दें। खाने का हम सुबह दाना दे देते हैं इनको जी, उसके बाद दोपहर में इनको सूखा दाना देते हैं और शाम के टाइम पर इनको चरवा देते हैं जी। इससे पहले हमारे पास गीला खुद का अपना था, हम तैयार करते थे यहाँ जी। आपकी ये रिचका है जी, आपकी बरसीम है जी, या आपकी चरी है, चरी है। इस तरीके से हरा खाना देना, गीला खाना देना थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी है कि जुगाली भी करते हैं ये जी, हजम करने के लिए ज़रूरी है जी। तीन पार्ट्स होते हैं इनके खाने के, पहला दाना जो मेन चीज़ है, दाने के बगैर तो इनकी ग्रोथ होगी नहीं बराबर। दूसरा सूखा चारा है, उससे ग्रोथ तो नहीं मैं कह सकता ज्यादा, लेकिन वो पेट भरने के लिए है बराबर। और हरा चारा तो बहुत जरूरी है जी, सारी चीजें इनको मिल जाती हैं, जो जो इनको चीजें चाहिए वो सब चीजें इनको तीनों भोजन से इनको मिल जाती हैं। पानी ये जितना ज्यादा पिए उतना बेहतर है, उसके तरीके अपने तरीके से। और कभी भी दाना देने के बाद 2 घंटे से पहले, 1.5 घंटे से पहले पानी नहीं देना चाहिए जी। आपने देखा होगा पेट में लोग बाग लाते हैं बकरे बेचने के लिए कॉमर्शियल, तो वो पेट फूले फूले रहते हैं, लगता है कि बहुत तगड़े तगड़े हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं दाना देते ही, या वो तो लोग गलत भी करते हैं, कमबख्त बेसन बेसन पिला के लिए आते हैं, पानी पिला दिया उनको, पेट फूल जाता है। ले जाने वाले को कुछ नहीं मालूम, ले जाने वाला ले जा रहा है कनाड़ी आदमी है, उसने बच्चे को और खिला दिया बकरे को, तो मालूम पड़ा कि वो मर भी गया, बीमार हो गया या मर गया। तो ये सब चीज़ें, ये बार्गेनिंग हमारे या किसी फार्म में नहीं मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से जी। ये जो ठीक है जानवर है, लेकिन वाकई में बहुत मोहब्बती जानवर जी, अगर आप इसको प्यार से रखोगे तो आपके आसपास ही घूमता रहेगा जी जी, इतना मोहब्बती जानवर है। और ये तो बॉम्बे में आप किसी को भी प्यार दो, पांच छह दिन रहते हैं ना तो एकदम जी हिल जाते हैं।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल घर में हमारे बिल्कुल बिल्कुल जी। सो आप इतनी दूर से आए जी, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। हम लोग आपको थैंक यू बोलते हैं, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करी। लाइक बहुत सारे फार्मर्स या व्यापारी नहीं शेयर करते ये सब बातें। आप लोग आए, आपकी टीम आई, मैंने किसी चीज़ के लिए आपको रोका नहीं। आप जैसे वीडियो चाहे बना लीजिए, जैसे फोटो चाहे जी, और ये होना भी चाहिए, कोई चीज़ का छुपा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें देख के दूसरा कर रहा है तो दूसरे को रोजगार मिल रहा है तो वो सही है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। और लोग बाग छुपाएं वो गलत चीज़ है, मेरे हिसाब से पूरा शेयर करना चाहिए, और मेरा वो फ़र्ज था वो आसिम भाई मैंने आपके साथ पूरी करने की कोशिश की है, और आगे भी आप आएंगे तो पूरा इंशाल्लाह। आप आए, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।